अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन माय दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म। कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है और लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होती है। फॉर लैपलास मेन बेसिक डिफरेंसेस जो होते हैं ना फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म में, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके वो किस फॉर्म में होती है। 1/2π स्क्वायर रूट की फॉर्म में होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास, और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ नहीं पाई जाती। और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है उसके लिए हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू ली जाती है वो -∞ to +∞ तक ली जाती है। बट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में इंटीग्रल जो लिया जाता है वो 0 to ∞ होता है। और जो बेसिक डिफरेंस है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हमारे पास ये है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास किस कम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में होती है, जबकि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।